और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं मोहम्मद दायफ जिंदा या मुर्दा, क्योंकि हमास के आर्मी चीफ मोहम्मद दायफ मारा गया है या फिर जिंदा है, ये सवाल पूरी दुनिया के लिए इस वक्त पहेली बन गया है। हमास ने सफाई दी है कि दायफ सुरक्षित है और जिंदा है। इसराइल ने कहा है कि क्लियर नहीं कि मारा गया या जिंदा है, लेकिन दायफ को टारगेट करने के चक्कर में इजरायली डिफेंस फोर्स ने खान यूनस में 90 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। देखिए रिपोर्ट। नेतन्याहू को मिले सबसे बड़ी कामयाबी, इजरायल का सबसे बड़ा ऑपरेशन, गाजा में मारा गया हमास का मिलिट्री चीफ, 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड ढेर, मोहम्मद दायफ की मौत का सच क्या है? दक्षिणी गाजा स्थित खान यूनुस के नजदीक बसा अल मवासी का शरणार्थी शिविर, इजराइल डिफेंस फोर्स की बंदूक से निकलती गोली से बचने के लिए जमा लोग हर सांस पर खतरा महसूस करते, सहमे हुए कुछ बैठे थे, कुछ सोए थे, कुछ दिनचर्या में जुटे थे। अचानक फायरिंग शुरू होती है, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा रिफ्यूजी कैंप गूंज उठता है। एक, दो, तीन या 10, 20 और 50 भी नहीं, कुल 90 लोगों की लाशें बिछ जाती हैं। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि हमले की जगह पर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था और हताहतों को स्ट्रेचर पर लादा जा रहा था। जान की सलामती के लिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं, दंदनाती गोलियां उनका पीछा करती हैं, जो बच जाते हैं ऊपर वाले का शुक्र मनाते हैं, जो मौत के आगोश में सो जाते हैं उनके लिए बचे हुए लोग दुआ मांगते हैं। हमास दावा करता है कि इजरायली सेना के हमले में गाजा में 90 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 300 लोग घायल भी हुए हैं। हमास कहता है कि नेतन्याहू नरसंहार करवाकर युद्ध विराम रोकना चाहते हैं। هم اليهود اتصلوا علينا قالوا لنا روحوا على منطقة مواسا خان يونس منطقة أمان. والله ما في أمان، والله ما في أمان في غزة كلها، فيش أمان، الأمان عند الله، والله ياخذنا كلياتنا بنرتاح بنكون إحنا أمان، منطقة هي عند الله. أول خطة جاني ولد يصرخ يابا يابا اتحامى في أبوه، ابن الجنب تخافيش يابا حضنته، ثاني خبطة حضنتهم الاثنين مع بعض، ثالث خبطة طبعا ما دريناش عن حالنا وين، ما صحيت حالة في المستشفى وابني استشهد على طول يعني الحمد لله. और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे हमारा खास कार्यक्रम देखिए मारो राजस्थान।